हां जी, किदा की हालचाल। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने चैनल दी विस्की पीडिया पे। मैं हूं आपका होस्ट अमित। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से एक रिक्वेस्ट काफी ज्यादा आ रही थी कि एक नई बजट विस्की मार्केट में आई है आइकॉनिक वाइट, इसका डिटेल रिव्यू किया जाए। तो आज मैंने इसकी बॉटल मैं खरीद के लाया हूँ। 500 के अंदर ये मार्केट में लॉन्च हुई है। जलंधर से मैंने इसको खरीदा है, 500 रुपीज़ की मुझे ये मिली है। लुधियाना में इससे कम में आपको मिल जाएगी, 450 के आसपास आपको मिल जाएगी। तो देखते हैं कि क्या इस रेंज में, क्या इस बजट में इसको पीना वर्थ है। बॉक्स देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी सुंदर बॉक्स इन्होंने बनाया है। तो सारी डिटेल्स इसके बारे में बताऊँगा, पीने में कैसी है, क्या इसका नोज़ है और क्या आप इसको बाय कर सकते हो, क्या ये 500 के अंदर पीने के लिए एक बेस्ट विस्की होगी। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, तो प्लीज इसे एंड तक देखिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर किया करो। तो दोस्तों, आइकॉनिक वाइट विस्की प्रोडक्ट है एलीट ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स का। इस कंपनी के ऑलरेडी दो प्रोडक्ट्स मैं थोड़े दिनों में अपनी वीडियो में ला चुका हूँ, स्टर्लिंग B7, स्टर्लिंग B10, ऑफिसर्स चॉइस। ये सभी विस्कीज इसी कंपनी से आती हैं और आइकॉनिक वाइट भी इसी कंपनी का प्रोडक्ट है। बॉक्स देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, वाइट कलर के बॉक्स में ये आती है। इनफैक्ट बॉक्स देख के लगता नहीं है कि 500 के अंदर आपको मिल जाएगी। ऑल्दो इसकी जो क्वालिटी है बॉक्स की, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। बिल्कुल ये एक पतला बॉक्स है, जो कि जाया जाए इस रेंज में आपको इतने का ही मिलेगा। इसके ऊपर दोस्तों लिखा जाता है, आइकॉनिक वाइट इज अ डिलाइटफुल ब्लेंड ऑफ इंपोर्टेड स्कॉच मॉल्ट्स एज्ड इन बर्बन ओक कास्क। तो कंपनी कहती है कि इसमें जो ब्लेंड का यूज किया गया है उसको बर्बन ओक कास्क में मैच्योर किया गया है, एंड सेलेक्टेड मैच्योर मॉल्ट्स एंड फाइनेस्ट इंडियन ग्रेन स्पिरिट्स। कंपनी तो यही कह रही है कि इसमें मोलासिस का यूज नहीं किया गया, जो भी ग्रेन विस्की का यूज किया गया है उसको ग्रेन से ही बनाया जाता है, ना कि मोलासिस से बनाया जाता है। चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स एक बार देख लेते हैं। दोस्तों, इसमें डीमिनरलाइज वाटर का यूज किया गया है, ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट्स का यूज किया गया है, स्कॉच मॉल्ट्स का यूज किया गया है। इसमें अलग से कलर मिलाया गया है और एक नोटिस करने वाली बात यह है कि इसमें अलग से फ्लेवर भी मिलाया गया है। जी हां, इसमें आपको विस्की जैसा आर्टिफिशियल फ्लेवर मिलाया हुआ मिलेगा। मिनिमम रिटेल प्राइस ऊपर जो बॉक्स के ऊपर लिखा है ये है 266 रुपीस, लेकिन ये आपको 450 से लेके 500 रुपीस की मार्केट में मिल जाएगी। तो चलिए इसकी बॉटल बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों, ये है बॉटल आइकॉनिक वाइट विस्की की। बॉटल की लुक सिंपल सोबर है, हालांकि जो इसका कलर है बहुत ज्यादा डार्क कलर है। जी हाँ, इंद्री सिंगल मॉल्ट का मैंने डिटेल व्यू किया था, उसका इतना डार्क कलर था, हालांकि वो नेचुरल कलर था, लेकिन इसमें अलग से कलर मिलाया गया है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर है। अब बिल्कुल रम जैसी विस्की लग रही है, बहुत ज़्यादा डार्क है। लेबल्स वगैरह देखने में अच्छे हैं, नीट एंड क्लीन है, कोई भी शिकायत मुझे लेबल्स वगैरह से नहीं है। 750 ml की बॉटल है, 750 ml की, और जो अल्कोहल स्ट्रेंथ आपको इसमें मिलेगी ये 42.8% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मिलेगी। तो चलिए इसको थोड़ा सा पोर करते हैं ग्लास में। दोस्तों, कलर इसका काफी ज्यादा डार्क है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि रम जैसा कलर है। चलिए देखते हैं कि इसकी लेग्स कैसी बन रही हैं। इसकी मीडियम लेग्स बन रही है गाइस, बहुत ज़्यादा धीरे धीरे नहीं, ये नीचे आ रही हैं, तो एक मीडियम बॉडीड विस्की है ये। तो चलिए करते हैं इसका नोज। चीयर्स। टू बी वेरी फ्रैंक, नोज में मुझे कोई ज्यादा नोट्स नहीं मिल रहे। सेम स्टर्लिंग B7 जैसी नोजिंग इसमें से आ रही है, सेम वैसा ही एक दबा हुआ नोट इसमें से आ रहा है, लेकिन अल्कोहल का हल्का सा फील आपको मिलेगा। बहुत ज्यादा हार्श नहीं लग रही, लेकिन मुझे इसमें से कोई भी नोट्स वगैरह नहीं मिल रहे।
चलिए इसको एक बार टेस्ट करके देखते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको नीट मत पीना, मैं भी इसको पानी डाल के ही टेस्ट करूंगा। हल्का सा एक बार नीट का सिप लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि नीट पीने में ये कैसी है। चीयर्स। दोस्तों नीट पीने में ना वो स्पिरिट का एहसास मुझे आ रहा है। जी हाँ, स्पिरिटेड लग रही है, ज़्यादा स्मूथ नहीं है, बर्न दे रही है ये टंग के ऊपर, यंग एल्कोहल का फील मुझे आ रहा है। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करना चाहूँगा। वैसे भी इस प्राइस रेंज की विस्कीज को नीट नहीं पीना चाहिए, ये नीट पीने के लिए नहीं बनी। दोस्तों मैंने इसमें पानी डाल दिया है, फिर भी इसका जो कलर है ये काफ़ी ज़्यादा डार्क है। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा कलर का यूज़ किया गया इसको बनाने में। पानी ऐड करने के बाद हल्का सा एक वुडी अरोमा इसमें से आ रहा है, उसके अलावा मुझे कोई भी नोट्स इसमें से नहीं मिले। तो चलिए एक बार फिर से टेस्ट करते हैं। चीयर्स भाइयों। ये ना सच बोलूं तो मेरे टाइप की विस्की नहीं है, तो मैं ज़्यादा इसके ऊपर टिप्पणी नहीं देना चाहता। मुझे पीने में इतनी ज़्यादा खास नहीं लगी, हो सकता है मेरा पैलेट ऐसी विस्कीज के लिए नहीं बना हो, मैं इसको इंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। अभी भी मुझे वो अल्कोहल की फील इसमें से आ रही है। आर्टिफिशियल फ्लेवर्स इसमें डाले हैं, इस वजह से मुझे कोई भी प्रॉपर टेस्ट इसमें से नहीं आ रहा। हल्का सा सिर्फ एक वुडीनेस, वुड का टेस्ट मुझे इसमें से आ रहा है। स्वीट नहीं कह सकते, स्वीट नेचर नहीं है इसका, अल्कोहल की फील इसमें आ रही है। तो जो लोग बजट में विस्की पीना पसंद करते हैं, जो लोग ज़्यादा पैसे स्पेंड नहीं करना चाहते, उनके लिए ये विस्की है। 500 के अंदर आपको मिल जाएगी। बाकी 500 के अंदर ज़्यादा कमियां नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा कमियां नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि बजट भी काफ़ी ज़्यादा कम है। इस प्राइस रेंज में जनरली इतना ही कंपनीज देती हैं। तो मेरी तरफ से यही इसका रिव्यू होगा कि अगर तो आप 500 के आसपास कोई विस्की देख रहे हो, अगर आप 3-4 लोग हो और आपने ड्रिंक करनी है, तो आपको एक ठीक ठाक विस्की ये लगेगी, आप इसको खरीद सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन चीयर्स, पियो और जियो।